रही है हमने कुछ बोला भी नहीं है तुम यहाँ बैठ जाएगा करो मार तो बीच में आएगा तो दूरियाँ बढ़ा दे मारने लग जाएगा भाई वो अच्छा चलो हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं तीसरे और लास्ट गाने पे जिसका नाम है दिल है पाकिस्तानी और इसे गाया अली अजमत मंगल दरेहान और शायान कोक स्टूडियो से जल्दी मिले एपिसोड 5 चलिए एक चीज मुझे पसंद नहीं आ रही कोक स्टूडियो की चौथा गाना खा जा रहे हैं क्या रहे एपिसोड भी तो है अभी ठंडा नहीं हमें वाला राला भाबल खंबे पानी चुकरे दिल लड़ो वे सवार नहीं अब हम आगे बले वहाँ ठंडी हम गर्म के दारानी चला दाराई तेर खुदो अगठा हाल लो अठानी हाल लो अठानी बले मखदो यान स्टोरी ये बताएंगे गाना वो गाएंगे है ये आज़ादे
दीवाना बहाना कैसा है ये गाना छुट्टी तान लगाना फिर ना तुम सुनाना हम का ये तराना सचा ये अफसाना सबको ये बताना कैसी है तेरी खुदा पानी दिल है पाकिस्तानी जुले मेरे जानी अंदर की कहानी कोई न तेरा हानी चीनी न जापानी राहे है बेगानी मंजिल है अनजानी सांस है आधी जानी देर हुई जवानी दौरा है तूफानी तू सड़कों की रानी आजा मेरे जानी क्योंकि दिल है पाकिस्तानी क्या फैसला दुनिया में क्या था सिखाया होना था क्या और क्या हो गया क्या हम लोग ने पाकिस्तान इमेजिन किया था और, क्या और वो क्या पाकिस्तान हो गया
दरअसल ये मैंने अभी बहुत सुना है, क्या कहते हैं यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स ने मेंशन किया है कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है वहाँ पे, जैसे कि अच्छा, तो ये चीज़ वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। दरअसल बात ये नहीं कि वहाँ पे रिजर्वॉयर्स नहीं है, पानी तो है लेकिन बात ये कंजर्व करने के लिए उसको वो रोक मतलब कि यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो सारा बह करके समुद्र में बह जा रहा है, तो वो उनके पास रिजर्वॉयर्स नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो उस पर यही है कि तुम बचाओ, कुछ करो उसके लिए। खैर इमरान खान की पार्टी आएगी तो ऑब्वियसली कहते लोगों को उम्मीद है तो वो बहुत कुछ करेंगे भी, और दिल है पाकिस्तानी को बताया तो पाकिस्तानी है, इस पीछे वो कॉन्फिडेंस का वजह लगता है उस चीज़ में। ये तो है कि वो फक्र है लेकिन तो हर फक्र हर किसी को होना चाहिए, फक्र में भाई इस फक्र में लेकिन इतने मत उड़ जाओ कि ये मत ध्यान दो कि तुम तबाह भी कर रहे हो कुछ सारी चीज़ें, और ये वैसे सब खुशी खुशी में कहते हैं कि खुशी खुशी में इतना आप लॉस दे रहे हैं, ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही पर ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ वो दिखा रहे हैं। कहीं फक्र में ये ना भूल जाओ कि क्या तुम तबाह कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हो कि नहीं छोड़ के जा रहे हो, ये सारी चीज़। लेकिन मैंने हाँ देश है लेकिन इंसानियत ऊपर है भाई। मैंने स्टार्टिंग वाला पॉइंट मिस कर दिया जब वो लोग गा रहे थे उस समय, हम लोग सीरियस के लिए अब मैं एक्चुअली हम लोग बिहाइंड द सीन भूल गए थे, एक्चुअली हम लोग बिहाइंड द सीन भूल गए थे, हम लोग को याद ही नहीं आई कि लाइन लास्ट में उन्होंने जो एकदम एक बात बोली थी वो एनवायरनमेंट, तो हम लोग भूल गए उसके बाद, क्योंकि जो एकदम मस्त वाला स्टार्ट हुआ उसके बाद जब इनका पार्ट आया तब लगा यार ये तो बहुत सीरियस जा रहा है, मतलब ये तो बहुत समझ जाओ इन बातों को, समझना ज्यादा जरूरी है, एक मैसेज ऐसा ये भी है कि रीच भी बहुत ज्यादा है और 10 साल नहीं रुक सकते कि हमारे साथ प्रॉब्लम है और हम इसको इतना टाइम देते रहे, आप अभी से इंप्लीमेंट भी तुम ये नहीं कर सकते हो कि यार अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जब नौकरी करने लगूंगा तब पानी बचाना शुरू करूंगा, ये कोई पानी बचाने और भी कई एक एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें होती है, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो तुम अपने लेवल नहीं अपने लेवल पे इंसान को स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ये सोचे अरे तुम ये दुनिया तो करने के हम क्यों करेंगे काम, वो हर किसी को स्टार्ट अपने घर से ही होता है, जैसे इंडिया में क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था साफ सफाई वाला स्वच्छ भारत अभियान वगैरह, तो वो अब दूसरे को ताना मारते रहो कि वो भी तो कूड़ा फैलाता है, अरे भाई तुम अपने लेवल पे बंद करो, तब तुम दूसरे को हक रखते हो, भाई भाई हक होना तभी हक रखते हो जब तक तुम कोई ये काम पर नहीं करो, भाई यार तुमने किया नहीं मैंने नहीं किया तो मेरे से क्यों बोल रहा है भाई भाई, क्योंकि ये सारी चीजें हो जाती है। ये जो गाना है ना एकदम परफेक्ट बोला गया है, अब समझ में आ रहा है कि दिल है पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसको उसमें ले जाया था, दिल है पाकिस्तानी मतलब एकदम कंट्री हाँ, की उसपे हो पेट्रियोटिज्म जाएगा थोड़ा सा, मैं प्राउड फील कराएगा कि हम पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज बनाएगा, यहां पे लेकिन बोले कि ऐसा प्राउड का क्या फायदा भाई, ना भाई कहने में कैसे प्राउड का क्या फायदा जब तुम अपना देश बचा ना सको, और ये मेरे ख्याल से जो भी सुनेगा चाहे वो जिस कंट्री का भी हो बस अपना पाकिस्तान हटा करके अपना नाम भी रख लेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हर जगह हो रही है, और आगे तक सोचना चाहिए इस सॉन्ग के थ्रू, ये जस्ट एन एग्जांपल दिया है उन्होंने कि आप और आगे तक लीजिए, लेकिन स्टार्ट करना बहुत जरूरी आती है, सब होता है लेकिन हाँ आखिरी टाइम तक सब कुछ धीरे धीरे सुधरने लग जाता है, और ये चीज सही है और बहुत जल्दी लोग समझेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जब कोई बड़े लेवल पे आके ये बातें बोलता है ना, हम एक्चुअली जो उस पोजीशन पर होता है उसकी बात ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे आइडिया है, और उसका बेस्ट एग्जांपल, और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम इंडिया का पोलियो वाला ले सकते हो, जैसे हम अमिताभ बच्चन कर रहे थे तो उसकी वजह से लोग ज्यादा जागरूक हुए, बहुत असर पड़ा उससे, मतलब पोलियो खत्म हो गया मेरे ख्याल से, इशू इमरान खान के पास पहुंचा होगा, उन्हें सब कुछ पता होगा, पहुंचा क्या होगा उन्हें खुद भी पता होगा, खुद पर ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन कम से कम तुम जो कंजर्व वाटर है कम से कम तुम उसको सेफ गार्ड कर सकते हो कि वेस्टेज ना हो, जो है वो तो बना रहे कम से कम, पब्लिक किस तरह से कहते हैं ना कि अगर 10 साल में पानी खत्म होने वाला है तुम्हारी कंट्री का तो तुम उसको एक्सटेंड करके 15 साल 20 साल कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में, ठीक है तो वो कम से कम तुम करो, तब तक वो 15 साल तुम गवर्नमेंट को दो, वो गवर्नमेंट कर देगी अपना, और वो 20 से वो 25 साल कर देगी गवर्नमेंट, भी कर देगी वाटर हार्वेस्टिंग होगी, ऐसी चीजों को लोगों को बताएं, वो जो टाइम बॉम्ब चल रहा है उसका रिमोट आपके पास है, वो कब कब फटेगा वो आप डिसाइड करोगे, तो कितना डिले कर सकते हो आपके ऊपर है, तो
ये मैसेज बहुत अच्छा है, वैसे काफ़ी लंबी बहस कर दी हम लोगों ने इस पर। खैर इसको हर कंट्री को, इस पर जो जो ये गाना सुने उसको अपने लेवल पे ये सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ग्लोबल इशू है। तो चलिए हम लोग का रिएक्शन यहीं तक था और हमारा सीजन भी यहीं तक था कोक स्टूडियो वाला। अभी 2 एपिसोड्स और हैं, उनका वेट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे तक। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, पीस आउट।